नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मेहनती चींटी की जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी चींटी थी जो बहुत मेहनती थी। वो हमेशा अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। उसके ना कोई घर था ना कोई परिवार था, लेकिन उसके मन में एक सपना जरूर था कि उसका अपना एक अच्छा घर हो। इसलिए वो बार बार लकड़ी को टहने का गुच्छा बनाती और अपना घर बनाती। एक दिन उसने एक अच्छा सा घर बना लिया, लेकिन तभी बरसात और आंधी आई। उस आंधी में उसका वो घर टूट गया और उस घर के साथ साथ उसके सपने टूट गए। अपने सपने को टूटा हुआ देखकर वो रोने लगी। तभी एक दूसरी चींटी उसके पास आई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरा घर तबाह हो गया है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और अभी ये कभी नहीं बनेगा। दूसरी चींटी ने उसे समझाया कि तुम मेहनती हो, तुम अगर दोबारा मेहनत करोगे तो इससे भी अच्छा एक सुंदर घर बनेगा। तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर निशाना केंद्रित करके उसे करने की कोशिश करो। उस चींटी ने दूसरी चींटी की बात मान ली और उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया। वो चींटी निरंतर टहनियों को इकट्ठा करती रही और उससे एक बड़ा सा सुंदर गुच्छा बनाया। कुछ ही दिन में उसका एक सुंदर आलीशान घर तैयार हो गया और वो अपने घर को देखकर बड़ी खुश थी और उस चिट्ठी को याद कर रही थी कि बुरे वक्त में उसने मुझे प्रेरणा दी थी, आज उसी की प्रेरणा से मेरा घर बन गया है। दोस्तों, कठिन परिश्रम और दृढ़ता का फल मीठा होता है। चिट्ठी की पहली कोशिश में घर तबाह हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निरंतर मेहनत करना जारी रखा और अंततः उसे सफलता मिली। कहानी हमें यही सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में हार ना माने, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए ज्ञान अर्जित करें और पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। मेहनत कभी विफल नहीं जाती, लेकिन मेहनत ईमानदारी और सच्चाई से की जाए, मेहनत जरूर सफल होती है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर किसी काम में एक बार फेल हो गए हो तो ये मत सोचना जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन जो भी काम आप करो उसका प्रॉपर ज्ञान अर्जित करो। अगर आपने इतना कर लिया तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आप जिंदगी में सफल होंगे, ये मेरा वादा है। जीवन में कभी हारना नहीं है, जीवन में मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यही सफलता की कुंजी है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा है जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।